गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन क्लास थ्री सब्जेक्ट मैथ्स में हम आगे सम्स थोड़ा देख लें। बच्चों आपको पता है ना, फ्राइडे को मैथ्स की वर्कशीट है, उसमें डेटा हैंडलिंग और ये सब्ट्रैक्शन के सम्स आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहना उसके ऊपर, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज थर्ड डी, आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वैसे ही आपकी टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 59, ठीक है? उसकी एक्सरसाइज थर्ड डी देखते हैं। करना क्या है वो मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है ना उससे आप सीखोगे चेकिंग सब्ट्रैक्शन विथ एडिशन। सब्ट्रैक्शन के चेक सम्स जो है, ठीक है, वो चेक कैसे करें यूजिंग एडिशन से, वो हम देखते हैं। तो इसकी जो मेन हेडिंग है वो हम पढ़ते हैं, दिस इज सनीज टेस्ट पेपर, चेक हिज सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन एंड गिव हिम अ स्माइली फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड सेड स्माइली फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वन सम किया है आप देख सकते हो, 279 माइनस 123, आंसर है 156। 156 को हम अप ले गए, ठीक है, और 123 जो है वो उसी जगह पर रहने देना है, लेकिन उसका प्लस करेंगे, 156 प्लस 123, और उसका सम, ठीक है, 279 जो माइनस के फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में लिखा है अपर साइड में, तो अगर वो आए, ठीक है, तो वो राइट है, और अगर आंसर रॉन्ग आता है, ठीक है, तो वो हमने जो माइनस वाले सम किए हैं तो वो भी रॉन्ग है। चलो डिटेल्स में देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 279 माइनस 123, 9 माइनस 3 इज इक्वल 6 एंड 7 माइनस 2 इज इक्वल 5 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल 1। अब यहां पर जो 156 है वो अपसाइड लेकर के गए हैं, 156 और प्लस किया है 123 के साथ, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल 9, 5 प्लस 2 इज इक्वल 7 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल 2। 279 जो है वो आंसर सही है ना, जो माइनस के अपर साइड में लिखा है 279 वो आ गया है, मतलब सही है, तो हमने स्माइली दिया। नेक्स्ट 804 माइनस 239 B1 जो है, अब 4 माइनस 9 नहीं हो सकता है, तो हमने क्या किया है, बोरो लिया है ना, ठीक है। ये जो आंसर है ना वो आपके टेक्स्ट बुक में दिए ही गए हैं, 465 जो अंदर शनि ने सॉल्व किए है उसकी टेस्ट पेपर में, तो हमें वो सम्स दे करके ही एडिशन का चेकिंग करना है, तो वो 465 हम लेंगे प्लस 239। अब 5 प्लस 9 करेंगे, 5 प्लस 9 इज इक्वल 14, 1 कैरी, 1 प्लस 6 इज इक्वल 7 एंड 7 प्लस 3 इज इक्वल 0, ठीक है, 7 प्लस 3 इज इक्वल 10 होता है तो 0 नीचे और 1 अपसाइड। नाउ 1 प्लस 4 इज इक्वल 5 एंड 5 प्लस 2 इज इक्वल 7, आंसर है 704, जबकि ऊपर है 804, मतलब ये आंसर जो है, ठीक है, 465 वो रॉन्ग है, तो हमने सैड स्माइली दी। नेक्स्ट 610 माइनस 243, आंसर दिया है 367, टेक्स्ट बुक में भी सेम है ना, देखते हैं, अब इसको चेक करते हैं, 367 प्लस 243 जो मिडल नंबर है जिसके साथ माइनस किया है उसी को हम प्लस करेंगे उसी नंबर से, 7 प्लस 3 इज इक्वल 10, अब जाएगा 1, 1 प्लस 6 इज इक्वल 7 एंड 7 प्लस 4 इज इक्वल 11, 1 नीचे और 1 जो दूसरा है टेंस की प्लेस वाला वो अपसाइड जाएगा। नाउ 1 प्लस 3 इज इक्वल 4 एंड 4 प्लस 2 6, आंसर आया 610, जो सम है वो 610 है, जो माइनस में अपर साइड है वो तो सेम है, ठीक है, तो स्माइली देंगे। नेक्स्ट 823 माइनस 243, आंसर है 680, अब ये 680 को हम अपसाइड ले जाते हैं और प्लस 243 करते हैं, 0 प्लस 3 इज इक्वल 3, 8 प्लस 4 इज इक्वल 12, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 923 जबकि वहां पर है 823, आंसर इज रॉन्ग, तो सैड स्माइली देंगे। नेक्स्ट 700 माइनस 265, वहां पर सनी ने लिखा है 445, चेक करते हैं, 445 प्लस 265 प्लस करते हैं, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 इज इक्वल 11,
1 carry, 1 plus 4, 5 and 5 plus 2, 7. Answer has 710. मतलब ये भी wrong है, है ना? तो sad smiley. Next, 413 minus 202. वहां पर आंसर क्या लिखा है? 215. है ना? 413 minus 202 आंसर है 215. अब 215 अपसाइड ले जाएंगे और उसको प्लस करेंगे 202 के साथ. 5 plus 2 7, 1 plus 0 is equal 1 and 2 plus 2 is equal 4. क्या है आंसर? 417. तो ये भी रॉन्ग है ना? तो हम क्या करेंगे? सैड स्माइली देंगे. समझ में आ गया बच्चों? कैसे करना है? एडिशन का हमें यूज करना है और ये सम देखने हैं कि उसके राइट है कि रॉन्ग है. आप डायरेक्ट भी करके देख सकते हो, लेकिन हमने एडिशन का यूज किया है. गॉट इट स्टूडेंट? ओके. ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है? टेक्स्ट बुक के पेज नंबर कौन से? 59 पे. चलो अब दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज थर्ड ई एकदम इजी है. माइनस के जो सम है, ठीक है, उसमें विदाउट बोरो वाले हैं. तो देखते हैं जो एक्सरसाइज थर्ड ई है, एकदम इजी है. फर्स्ट जो है 8461 माइनस 2431. अब 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, 6 माइनस 3 इज इक्वल 3, 4 माइनस 4 इज इक्वल 0 एंड 8 माइनस 2 इज इक्वल 6. हम पता है पहले वंस की प्लेस से जो अब छोटे थे तो जूनियर केजी में एक सिंगल डिजिट का माइनस सीखा, फिर टू डिजिट, फिर थ्री डिजिट और इसमें जो है वो फोर डिजिट का है. तो हमें जब भी कट करते जाना है सम को तो वंस की प्लेस से ही करेंगे, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं. 4399 माइनस 1238. अब 9 माइनस 8 इज इक्वल 1, 9 माइनस 3 इज इक्वल 6, 3 माइनस 2 इज इक्वल 1 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल 3. कट करना तो आपको आता ही है, ये सिर्फ मेथड ही देखनी है कि किस तरह से हो रहा है. तो एकदम इजी है ये सम. नेक्स्ट देखते हैं. 6857 माइनस 1555. 7 माइनस 5 करेंगे, ठीक है, तो आंसर 2 आएगा. 5 माइनस 5 कट करेंगे 0 आएगा. 8 माइनस 5 कट करेंगे आंसर 3 आएगा. देन लास्ट 6 माइनस 1 इज इक्वल 5. नेक्स्ट 6574 माइनस 6450. 4 माइनस 0 इज इक्वल 4, 7 माइनस 5 इज इक्वल 2, 5 माइनस 4 इज इक्वल 1 एंड 6 माइनस 6 इज इक्वल 0. है ना बच्चों, इजी? ओके. अब आपको ये जो ए बी सी और डी मैंने करवा दिए, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में सेम उसी तरह से ई एफ जी एच लिखने हैं, ठीक है? सेल्फ प्रैक्टिस है. अब उसके नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इन योर नोटबुक. तो इसके आंसर आप टेक्स्ट बुक में ही डायरेक्ट करोगे, मैं जैसे बता रही हूं, ठीक है? आपको दिख रहा है 7661 माइनस 4560. अब इसमें आपको नोटबुक में करना है, लेकिन डायरेक्ट आप टेक्स्ट बुक में कैसे करो तो मैं बता रही हूं कि पहले हम लेंगे वंस की प्लेस को, ठीक है? पहले देखते हैं 1 माइनस 0 इज इक्वल 1 होता है, 6 माइनस 6 0 होता है, 6 माइनस 5 1 होता है और 7 माइनस 4 3 होता है. अब मैडम ने कैसे लिया ये तो मैं पहले बता दूं. यहां पर आपको दिख रहा है 4 4 डिजिट है. तो पहले मैंने किया 1 माइनस 0 इज इक्वल 1, उसके बाद 6 माइनस 6 इज इक्वल 0, देन 6 माइनस 5. दिख रहा है ना आपको, एरो दिख रहा है ना? तो 6 में से मैंने 5 कट किया तो 1, और 7 माइनस 4 किया है तो 3. आंसर क्या आएगा? 3101. 1000 के बाद कोमा लगाना मत भूलना, ठीक है? ओके. चलो नेक्स्ट देखते हैं. 8388 माइनस 2005.
8 minus 5 is equal 3. 8 minus 0 is equal 8. 3 minus 0 is equal 3. And 8 minus 2 is equal 6. आंसर आया 6383. आपको भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना? एरो स्टार्टिंग में बनाना, फिर अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाए तो आप बाय हार्ट करना. 4579 माइनस 2315. 9 माइनस 5 इज इक्वल 4. 7 माइनस 1 इज इक्वल 6. 5 माइनस 3 इज इक्वल 2. एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल 2. आंसर क्या आया? 2264. नेक्स्ट 8191 माइनस 3001. 1 माइनस 1 इज इक्वल 0. 9 माइनस 0 इज इक्वल 9. 1 माइनस 0 इज इक्वल 1. एंड 8 माइनस 3 इज इक्वल 5. आंसर आया 5190. नेक्स्ट 4579 माइनस 2315. इसका जो आंसर है 9 माइनस 5 is equal 4, 7 minus 1 is equal 6, 5 minus 3 is equal 2, and 4 minus 2 is equal 2. Answer kya aya? Dekhte hain, chalo next. 1 minus 1 is equal 0, 9 minus 0 is equal 9, 1 minus 0 is equal 1, and 8 minus 3 is equal 5. Sum kar rahe ho, bachcho? Okay. तो पहले में आंसर जो हमने देखा उसका जो आंसर है 2264 और जो सेकंड का है वो है 5190. समझ में आ गया बच्चों? ये जो सम है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही करना है. दो एक्सरसाइज है लेकिन सम्स थोड़े ही है, ठीक है? तो कर लेना. थैंक यू.